सो है गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना SBI का अकाउंट क्रिएट कर रखा है एंड अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ टाइम के बाद अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप भूल जाते हो। सो कैसे आप दोबारा अपना न्यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप न्यू ले सकते हो यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप लोगों को ब्रांच अपना विजिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है या कहीं से भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप लोगों को करने के अगर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करना है एंड उसमें जाके अपने यूजर एंड पासवर्ड ले सकते हो। सो चलिए आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि कैसे आप लोगों को अपना यूजर आईडी मिलेगा एंड कैसे आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा। सो इस वीडियो में पूरा लाइव आप लोगों को शो कर दूंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। एंड वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अगर उनको भी नहीं पता तो वो इस तरीके का यूज कर सके एंड अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड ले सके। सो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट है SBI का इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड एंड यहाँ पे कैप्चा फिल करने को बताया जा रहा है, लॉगिन को बताया जा रहा है। बट अगर हमें अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं पता तो सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए न्यू रजिस्टर का यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया एंड आपको नहीं पता तो यहाँ पे फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे देख लीजिए फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां पे मिल जाएगा फॉरगेट यूजर नेम, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपका CIF नंबर यहां पे आप लोगों को बोला जाएगा। CIF नंबर आपके पासबुक में मिलेगा या नहीं तो आप ऑनलाइन ओपन किए थे तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपका कस्टमर आईडी यहां पे आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद यहां पे देख लीजिए आपका कंट्री, तो यहां पे जो भी हमारा कंट्री है कंट्री अपना सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो इधर फिल कर देना है, ये कैप्चा इधर फिल करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो यूजर आईडी रहेगा वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा ग्रीन कलर में। आप उसको अपने यूजर आईडी को कॉपी कर सकते हो एंड कहीं पे भी लिख सकते हो। सो ये तो हो गया हमारा यूजर आईडी का। अब रह गया कि हम अपना यूजर आईडी मिल चुका है हमें, हम कैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो हमें देख लीजिए बेसिकली हमें यहाँ पे यूजर आईडी मिल चुका, अपने यूजर आईडी यहां पे हम फिल करते हैं। उसके बाद यहां पे हमें पासवर्ड नहीं पता तो सेम उसी तरह यहां पे फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे देख लीजिए फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, इस पे आप लोगों को क्लिक करके एंड यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका यूजर नेम अभी हमने फॉरगेट किया उस यूजर नेम को इधर फिल कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर इधर फिल करना है। उसके बाद यहां पे कंट्री सेलेक्ट करने को बताया जा रहा है तो हम अपने कंट्री यहां पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे देख लीजिए मोबाइल नंबर, आपका यहां पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इधर फिल कर देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कैप्चा, तो ये जो कैप्चा इधर शो हो रहा है ये कैप्चा इधर फिल करना है एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा, आपके रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड आपको वहां पे शो हो जाएगा या आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा पासवर्ड। सो इस तरह आपका यहाँ पे दोनों पासवर्ड मिल जाएगा। सो उसके बाद सिंपल से यहाँ पे करना क्या होगा, आपका यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है एंड यहाँ पे आपका ये जो कैप्चा इधर फिल हो रहा है ये कैप्चा जो इधर सो रहा है ये कैप्चा इधर यहाँ पे फिल करके एंड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हो। एंड अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता कि आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाना है तो फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा या नहीं तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे ना तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।